टू द न्यू ब्लॉग, स्वागत करता हूँ आपका नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव से द्वारनाथ के लिए। हमारे गांव की प्रसिद्ध मंदिर है, तो आज हम आपको दिखाएंगे द्वारनाथ की बेहतरीन। तो हम अपने घर से चल चुके हैं मतलब, और यहां पे रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूं क्या ही पहाड़ लगता है जब हम द्वारनाथ के लिए आते हैं। तो पहुंच चुके हैं और अपने लिए ले रहे हैं क्या, प्रसाद ले रहे हैं। हमारे चाचा जी प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे। आओ तो सबसे पहले अपनी चप्पल सुरक्षित करना पड़ता है, तो ये मैंने अपनी चप्पल सुरक्षित कर। हम मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे लोटे रखे रहते हैं, तो कोई यहाँ पे जिसको भी चाहिए कोई ले सकता है। प्रसाद ले लें वीडियो वाले। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा कुआं भी है, तो कुएं में जाके पानी हम निकालेंगे बढ़िया तरीके से। ये शानदार कुआं दिख रहा होगा आपको, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए क्या है, और यहीं से हमको पानी निकालना है। तो वही बाल्टी से पानी निकाल लेना। और जगह जगह पे भंडारे का आयोजन हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। एक यहाँ पे ये देखिए, अभी तो कम भीड़ है, नहीं तो सीजन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। और ये हमारे भैया जी निकाल रहे हैं, बढ़िया पानी निकल गया यहाँ पे। वो जो दिख रहा है ना ये चीज़ें, ये जब ज़्यादा भीड़ लगती है तब यहाँ पे आप खाना पीना बना सकते हैं, रह भी सकते हैं। अगर आपको रुकना हो यहाँ तो आप रुक भी सकते हैं, बाकी समस्या नहीं है, सुविधा बढ़िया है। यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं मंदिर के साथ साथ, दो कुआं हैं यहाँ पे। ये ट्रैक्टर दिख रहा है किसी का, यहाँ पे कोई लाया है भगवान की पूजा करने की। और ये है बढ़िया द्वारनाथ की मंदिर, बहुत ही बढ़िया दृश्य है यहाँ पे। आगे धर्मशाला टाइप का भी बना हुआ है, कोई भी आके रह सकता है, भंडारे का आयोजन कर सकता है, जो सुविधा कर सकता है। एक जनरेटर भी है, बहुत बढ़िया सुविधा है जी। अभी परिक्रमा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं बाद में करूँगा। और यहाँ का सीन ऐसा है कि पानी वाली वो रखी हुई है, जिसको भी लोटा लेना हो तो ले सकता है, घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, मांगी व्यवस्था है सब। और एक ये देखिए, इसको देखिए गौर से देखिए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये रहे द्वारनाथ स्वामी, और यहीं पे हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा के साथ यहाँ पे हमने अगरबत्ती लगा दी। यहाँ पे हमने नारियल फोड़ने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, और नारियल अब फोड़ दिए हैं चाचा। पूजा कर ली है, लगभग ख़त्म ही हो गया। अब हम जाएंगे फिर से कुएं पे, अब शायद पाँव धुलने के लिए। फिर हम भंडारे का कुछ देखते हैं क्या प्रोग्राम बना है यहाँ पे। आपका क्या विचार है भंडारे को लेके? बहुत बढ़िया, देखते हैं कहीं प्रसादा लेंगे हाँ। और फिर निकलेंगे, वहाँ भी है हनुमान जी छोटे से, वो पानी अपना लोटा वाला पानी भी, वो तो जहाँ जगह थी वहीं चले गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बहुत सारे यहाँ मंदिर जो है बीच जंगल में था, जब डाकू पुराने ज़माने में आते थे तो ये यहीं पे विश्राम करते थे। कुआं वुआ सब लगता है बहुत ही पुराना है, एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है। तो जब डाकू आते थे उनको कुछ चीज़ मांगना रहता था तो वो यहीं से मांगते थे, मतलब बजरंगबली से मन्नत मांगते थे। तो वो उनकी मन्नत पूरी होती थी तो भंडारे का आयोजन भी करवाते थे। मंदिर तो एक बहाना था, हमने तो प्रसाद खाना था, समझ रहे हैं आप लोग, हम तो प्रसाद खाने के लिए सिर्फ आए हैं, हमारा काम यही है सिर्फ। आओ और चुपचाप से जहाँ भी बंट रहा हो मिल रहा हो वहाँ पे खा लो प्रसाद। चलो फिर बीच बीच में अभी दुकानें कम दिख रही हैं ना, एक सीजन पे बहुत सारी दुकानें रहती हैं। ये सब प्रसाद के अलावा बहुत सारी खेलने वाली चीज़ें भी हैं यहाँ पे रखते हैं ये लोग। बहुत सारी भीड़ मिल गई हैं और ये रास्ता जाम करके जाने नहीं दे रहे हैं हमको, देखते हैं जाने देंगे नहीं, निकल गई खाली हो गई। अब हम आ चुके हैं द्वारनाथ से, तो अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे घर पे। घर के बाद हमको जाना है अतरेला जाना है, तो देखते हैं कैसे क्या है आगे का सीन। वैसे जाना तो है ही, और बहुत सारे काम है यहाँ पे, गेहूँ पिसाना है और दो तीन छण वड़ लेने हैं, तो देखते हैं क्या बनते हैं आगे प्रोग्राम। अब मैं चाय बनाने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, मैंने दूध और चीनी सब डाल दिया है, अदरक भी डाल दिया, हल्का सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दिया, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो कोई वो नहीं है।
बढ़िया से चाय बना रहा हूँ ना, अब मैं थोड़ी चाय पत्ती डाल देता हूँ, अदरक भी डाल दिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। ये मेरी चाय अब बनने लगी है, चाय एकदम से खौल रही है बढ़िया तरीके से, तो लगता है ये तैयार हो ही गई है लगभग, बहुत बढ़िया तरीके से खौल रही है। शाम का टाइम हो गया और मैं फिर से निकला हूँ अपने घर से, अब मैं जा रहा हूँ बगीचे पे, देखता हूँ कुछ मिल ही जाएगा, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया तो मुझे मजबूरी में पहनना पड़ा स्वेटर। स्वेटर ये मैं जितनी बार आता हूँ ये तार मेरे ज़रूर लगता है, आज भी लग गया था, ये देखिए ये मेरे ये पीछे ही पड़ गया, ये तार हर बार ये तार लगता है, और मैं इस तार से त्रस्त हूँ, इतने ज़्यादा बार मेरे ये तार लग चुका है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, जितनी बार भी लगता है उतनी बार मेरे खून निकाल देता है। तो ये देखिए ये वाला खेत सींच चुका है, वो मैंने कल लगा दिया था पानी, इस वजह से सारा खेत सींच चुका है, बंदर भी नहीं आते हैं, पहले बंदर भी बहुत आते थे, तो इस टाइम पर बंदर भी नहीं आते हैं। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ठंडी है गांव में, ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, आ चुका हूँ, और अब देखना यह कि यहाँ पे कोई जानवर वानवर तो नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे भी बोया गया है और रुंधाई नहीं हुई है, तो बोया थोड़ा सही है पर देखना पड़ता है बार बार। मैं आया इसलिए हूँ कि मुझे बीही खाने का मन कर रहा था, इस कारण से मैं, वरना मैं आता तो नहीं, और देख लेता हूँ एक आध नींबू तो मिल ही जाएगा। ये देखिए जैसे ही नाम लिया एक आध मिल ही जाएगा, ये मिल गया, एक मिल ही गया, एक के साथ एक नहीं दो मिल गया, एक ये मिला दूसरा ये मिल गया, दो नींबू मिल गए। अब मुझे बीही ढूंढनी है, बीही कहाँ पे है, मेरा फ़ोन इतना अच्छा है नहीं, रात के टाइम पे इतना बढ़िया सूट नहीं करता है, तो ये एक समस्या है, पर हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको बीही तो खानी है, तो मैं बीही ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। एक बहुत बढ़िया से बीही मिल गई मुझे, और यहाँ पे करी पत्ता है, तो बन रही है कद्दू की सब्जी, तो ये बहुत बढ़िया स्वाद आएगा, मैं तोड़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। काम भर के लिए मैंने तोड़ लिया, और अब मैं वापस से अपने घर की ओर निकल लेता हूँ, ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। मैं आया था करी पत्ता नींबू के लिए, और साथ में बीही तो मिली गई। आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आ ही रहा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से